अस्सलाम वालेकुम, इमाद जफर एक और व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर है। हाल ही में पेमरा ने टीवी चैनल्स को एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें टीवी चैनल्स को यह कहा गया है कि ड्रामों के अंदर बहुत से जो ऐसे सीन्स हैं जिसके अंदर मियां बीवी को साथ बिठाया जाता है या इंटीमेसी दिखाई जाती है, बहुत से मोहब्बत के सीन्स हैं या फिर ड्रेस कोड के हवाले से, फिर कुछ मौजूदात ऐसे हैं कि उनको आप ना छेड़ें और जब ड्रामास दिखाए जाएं या बनाए जाएं तो उनमें शर्म हया का पहलू रखा जाए, माशरे या हमारा जो तहजीब या हमारा जो कल्चर है उसके मुताबिक ड्रामे बनाए जाएं। ये हमारे यहाँ तकरीबन पिछली दो तीन दहाइयों से मेरे ख्याल में, स्पेशली जब से जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया था 1980 में, ये जंग जारी है कि बेसिकली हमारी सकाफत है क्या। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कभी भी सकाफत और मजहब के बारे में गुफ्तगू नहीं की गई, वरना बहुत से लोगों को शायद इसका इदराक होता कि सकाफत और मजहब दो अलग अलग चीजें होती हैं। हम बड़े सगीर पाको हिंद में सदियों से बसते आए हैं और हमारी अपनी एक सकाफत है, और हमारी सकाफत और अरबी सकाफत कभी भी एक नहीं हो सकती। अच्छा, फिर एक और बात, जियाउल हक के दौर से जो ये मॉरल पुलिसिंग, इखलाकी पुलिसिंग का काम शुरू हुआ कि दूसरों के अखलाकियात जांचो या माशरे को ये देखो कि माशरा किस संत में जा रहा है, इसकी वजह से जहां माशरे की हिस्से जमालियात जो है वो जबूहाली का शिकार हुई, वहीं पर हमारी फिल्म इंडस्ट्री तबाह हुई और उसके बाद ड्रामों का मयार भी गिरा। अभी खुदा खुदा करके हमारे यहां ड्रामों का मयार कुछ बेहतर होना शुरू हुआ है। अब देखिए, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे आजकल ऐसे आ रहे हैं जो हमारे असर हाजिर के मसाइल को उजागर करते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे कई ड्रामे हैं जिनमें गैरत के नाम कत्ल के मसले को उजागर किया गया है, मैरिटल रेप को उजागर किया गया है, खवातीन के साथ जो इज्तिमाई ज्यादतियां हैं उनको उजागर किया गया है, बच्चों के साथ होने वाली ज्यादतियों को उजागर किया गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2019 में बैठकर 1970 या 80 के ड्रामों में जो मसाइल दिखाए जाते थे वो दिखाएं और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि व्यूअर्स जो हैं वो उससे खुश होंगे, या ऐसा करने से माशरे के जो असल मसाइल हैं वो दब जाएंगे।